आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरखा है कि लेट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के बराबर दे रखा है, ठीक है। बी एन इंटीजर, ये इंटीजर है, इफ दिस इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, एंड आपने के पास दे रखा है 6e n इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, देन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा वो बताने। यहाँ से आपने क्या बता दो 64 अल्फा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो 9e n और माइनस टाइम्स अपने के पास दे रखा है 8n और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने के पास क्या करो, थोड़ी बहुत आप सॉल्व कर लो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा ही पूछ रखा है ना, इसको 9e n और माइनस टाइम्स 8n और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन 64 लिख सकते हैं क्या। अब अपने के पास इसको सॉल्व करो, अल्फा अपने के पास निकालने की कोशिश करो, 64 गैप करना है। यहाँ से 9e n को क्या लिख सकते हैं, 8 और प्लस टाइम्स 1, और यहाँ से आपने के पास 8 प्लस टाइम्स 1, यानी तो इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस टाइम्स 8 के बराबर, थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1 प्लस टाइम्स 8 इन पूरी की पावर में n, माइनस टाइम्स ये आ गया 8n के बराबर, माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में आपने के पास करा देंगे 64 के बराबर। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करें, तो इसको आपने के पास बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, तो nc 0 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स करा देंगे nc 1 के बराबर, ये आ गया आपने के पास 8 के बराबर, प्लस टाइम्स nc 2 के बराबर और यह रहा 8² के बराबर, प्लस टाइम्स nc 3 के बराबर, ये रहा अपने के पास 8³ के बराबर, प्लस टाइम्स अपने के पास किस आ जाएंगे, तो डॉट 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 प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे nc n के बराबर और ये रहा अपने के पास 8e n के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया 8n के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर और होल अपॉन में अपने के पास किस आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया 64 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं, दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखते हो तो 8n और ये भी 8n ही लिखा हुआ है, ये nc 0 1 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ से अपने के पास 8² कॉमन लिया जा सकता है। जैसे 8² कॉमन लेंगे तो nc 2 लिखा हुआ है, प्लस टाइम्स अपने के पास nc, ये आ गया अपने के पास 3 के बराबर और ये रहा 8 के बराबर, अगला जो हो जाएगा अपने के पास nc 4 हो जाएंगे और ये आ गया अपने के पास 8² के बराबर, देख लो। जैसे 8² कॉमन लेंगे तो ये अपने के पास ये आ गया 8^1 8^2 प्लस टाइम्स डॉट 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 क्या बचेगा, तो प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे nc n के बराबर और ये आ गया अपने के पास 8^n-2 के बराबर, क्योंकि अपने के पास 8² कॉमन ले लिए और होल अपॉन में अपने के पास गौर से देखो नीचे अपने के पास 64 ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ अपने के पास 64, जैसे 64 ये दोनों अपने के पास कैंसिल आउट हो गया, यानी ये जो लिखा हुआ अपने के पास किसके बराबर लिखा हुआ, तो इसको हम यहाँ पर लिख करें, ठीक है। थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेशन देख लो, यहाँ से हम इसको कॉपी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब ऑप्शन है तो बार बार कौन छापेगा, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर आ गया, हाँ या ना, इसी को हम कॉपी करके इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं बराबर। ये जो अपने के पास है, ये अपने के पास अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो यही तो अल्फा है, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास इसके बराबर। जब अल्फा इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर हो गया, अब अपने के पास बीटा बताओ, बीटा भी अपने के पास सिमिलरली वही रामा कटोर अपने के पास बीटा के लिए भी करना है। अबे तू भाग क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास इसके बराबर, यहाँ से अपने के पास बताओ बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 25 बीटा इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर देगा, इक्वल टू देगा 6e n-5n-1 के बराबर, 6e n-5n और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास बीटा बताओ, तो यहाँ से किसके बराबर जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 6e n को क्या लिख सकते हैं, तो या अपने के पास 5 प्लस टाइम्स 1 के बराबर या 1 प्लस 5 लिख दो, ज़्यादा बेटर होगा 1 प्लस 5 और इन पूरी की पावर अपने के पास करा जाएंगे, तो n के बराबर -10 5n के बराबर और -10 1 और होल अपॉन आ गया अपने के पास 25 के बराबर। चलो इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करो, जैसे एक्सपेंड करो किस करा जाएंगे nc 0 के बराबर, प्लस टाइम्स nc 1 और ये रहा 5 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे nc 2 5² के बराबर, प्लस टाइम्स nc 3 और ये आ गया 5³ के बराबर, प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे nc n के बराबर और ये रहा 5³n के बराबर, -10 5n और -10 1 के बराबर, हाँ है ना, और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास 25 के बराबर। यहाँ से थोड़े बहुत कैलकुलेट कर लो, तो ये और ये अपने के पास गया, क्योंकि ये भी 5n है ये भी 5n, -1 प्लस 1 गया, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से देखो 5² कॉमन लेंगे तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया अपने के पास बराबर nc 2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास nc 3 के बराबर और ये रहा 5 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया nc 4 के बराबर और यहाँ से आ गया 5² के बराबर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स अपने के पास डॉट डॉट और प्लस टाइम्स आ गया nc n के बराबर और ये रहा 5^n-2 के बराबर, ये हमारे पास बीटा आ गया। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर पूछ क्या रखा है, पहले ये देख लो, फुल एंड फाइनल आंसर में अपने के पास पूछ रखा है, तो ये आ गया अपने के पास से अल्फा माइनस बीटा पूछ रखा है, चलो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अपने के पास किस बराबर है, तो अल्फा अपने के पास nc 2 और ये आ गया अपने के पास nc 2 के बराबर, ये रहा nc 2 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने के पास nc 2 nc 3 8 के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया nc 4 8² के बराबर, हाँ ना, प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे nc n के बराबर और ये रहा अपने के पास 8^n-2 के बराबर, माइनस टाइम्स अपने के पास बताओ, ये तो अपने के पास क्या आ गया अल्फा आ गया, ठीक है। इसमें अपने के पास माइनस टाइम्स बीटा बताओ, इसको थोड़ा सा अपने के पास साइड करो, इसी को हम कॉपी कर लेते जब हमारे पास
ऑप्शन है तो ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर, अबे तू इधर हो जाए यार, ठीक है। तो ये आ गया अपने गैस, थोड़ा सा अपने गैस इसको छोटा कर लो, और यहाँ से अपने गैस इसको कॉपी करके हम यहाँ पर चाप दिए, बराबर। ये आ गया अपने गैस माइनस टाइम्स, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने गैस जब इसके बराबर हो गया, इसको अपने पास अपनी जगह पर ला दो, ठीक है। ये आ गया अपने गैस इसके बराबर, थोड़ा सा अपने गैस गौर से देखो तो ये जो है माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करें, ये और ये तो अपने गैस गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, NC3, NC3 इधर भी है ना, यहाँ से अपने गैस NC3, और ये आगे अपने गैस 8-5 लिख सकते हैं आराम से, प्लस टर्म्स NC4, और ये अपने के पास इसको थोड़ा सा नीचे कर लो ताकि हमारे पास जगह अच्छे से दिख जाए, NC4, और ये आगे 8² और -10 5² के बराबर है ना, प्लस टर्म्स आगे अपने पास NC5 के बराबर, और ये आगे 8 की पावर 5 और माइनस नहीं 8 की पावर अपने के पास किस आ जाएंगे 3 के बराबर, और -10 5 की पावर 3 के बराबर, और प्लस टर्म्स डॉट डॉट डॉट, प्लस टर्म्स ये किस आ जाएंगे NCn के बराबर, और यह है 8 की पावर n-2 के बराबर, और -10 5 की पावर n-2 के बराबर। इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर ये आ जाएंगे। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो NCn 8-5, 8² -5 के बराबर, 1 तो है ही नहीं, 8-5 8² और ये आगे अपने पास ऑप्शन नंबर सी में देख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बस अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन वाले पार्ट थे और कुछ नहीं थे। तो ये थे अपने के जे मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंग्लिश वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक लेट्स हैप्पी एंड गुड बाय।